हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी कहा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, और वो पार्टनर न्यू या एग्जिस्टिंग कोई भी हो सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पर हमारा इस टॉपिक का मतलब ये है कि किसी भी पार्टनर को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं। अब ये प्रॉफिट की गारंटी कैसे देता है और कौन देता है, इसके लिए पहले हम लोग ये दोनों पॉइंट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल से इसको समझा दूंगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है गारंटी ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी जो भी बेसिकली कोई नया पार्टनर है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी फर्म दे रही है। एक तरह से देखा जाए तो फर्म उसको ये सिर्फ बिलीव करवाना चाह रही है कि आपको हमारी कंपनी में बने रहने से, या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको कह सकती है कि आपके आने से कंपनी जो बेसिकली है आपको इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो प्रोवाइड करवाएगी ही करवाएगी। तो गारंटी में सबसे पहली चीज क्या देखनी है हम लोगों को, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सेकेंडरी हमारे पास आता है गारंटी कैन बी गिवन बाय एनी वन ऑफ पार्टनर और बाय ऑल द पार्टनर्स, यानी उस नए पार्टनर को या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो भी गारंटी दे रहा है, या तो कोई पर्टिकुलर पार्टनर यानी कोई एक सिंगल पार्टनर या फिर ऑल द पार्टनर्स यानी फर्म, बेसिकली गारंटी दे सकती है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे लास्ट में है इस चैप्टर के, और ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा ईजी टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, यहां भी हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरीली क्या करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बेसिकली वो बना लोगे। जैसा कि आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है, ये आप लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ ये अमाउंट मैंने एक बार इग्नोर कर दिए। एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट हमें कैसे और कब देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बाय नेट प्रॉफिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इस अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो भी प्रॉफिट अभी आएगा, मान लेते हैं ये प्रॉफिट 90,000 रुपीज है। क्या मान लिया मैंने प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट जो है बेसिकली इधर कुछ आइटम लिख लिया, उनमें से आइटम माइनस कर दिए, और जो प्रॉफिट आया 90,000 रुपीज, ये प्रॉफिट कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर में क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। अब आपने अच्छी तरह पढ़ा है ये, इस अकाउंट को मैं कैसे क्लोज करता हूं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो मान लेता हूं इस 90,000 रुपीज के प्रॉफिट को तीन पार्टनर है एबीसी, ये तीनों इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो लिखोगे एस के सामने कितना अमाउंट लिखोगे, 30,000 रुपीज, इक्वल रेशियो में पार्टनर है, तो मैंने तीनों में इक्वली इस प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इन दोनों का टोटल मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, उसके बाद सबसे लास्ट में गारंटी हम लोग देखेंगे, यानी पहले हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद गारंटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको सभी पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दोगे। यहां मैंने अज्यूम कर लिया कि जो पार्टनर है बेसिकली वो इक्वल रेशो के अंदर साझेदार यानी पार्टनर है, तो मैंने तीनों को 30,000 और 30,000 रुपीज यानी इस डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं गारंटी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद में सबसे लास्ट में जाके गारंटी को हमें देखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी देनी है। अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर गारंटी उस केस में स्किप हो जाती है। ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल से समझा दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए जो बेसिकली पार्टनर है उसने ये गारंटी ली थी, किसके लिए, सी के लिए, यानी ए ने पर्सनली सी को ये गारंटी दे दी कि तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी ईयर में 40,000 रुपीज से कम नहीं होगा। क्या गारंटी ली है ए ने, गारंटी ली है कि सी का प्रॉफिट किसी भी ईयर में 40,000 रुपीज से कम नहीं होगा। तो क्या करोगे, अभी मैंने देखा कि इस प्रॉफिट को तीनों में सबसे पहले डिवाइड करने के बाद
इसका जो गारंटी अमाउंट था वो कितना था कि इसको प्रॉफिट कभी भी 40,000 रुपीज से कम नहीं मिलेगा, लेकिन अभी कितना मिल रहा है इसको 30,000 रुपीज। गारंटी किसने ली थी? ये गारंटी ली थी ए ने पर्सनली। तो इसकी गारंटी को फुलफिल करने के लिए जिस पर्टिकुलर पार्टनर ने वो गारंटी ली थी उसके अमाउंट में से मैं लेस कर दूंगा जो गारंटी मैंने गिवन की थी। किसको? गारंटी गिवन टू सी। कितनी गारंटी ली थी उसको कि उसका प्रॉफिट कभी भी 40,000 से कम नहीं होगा। अभी आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 30,000 रुपीज दिख रहा है। गारंटी कितने की है? 40 की। गारंटी ली है ए ने, तो ए के अकाउंट से वो 10,000 रुपए कट जाएंगे और जाकर के ऐड हो जाएंगे किसके अकाउंट में? सी के अकाउंट में। तो क्या करोगे, यहां ऐड कर दोगे गारंटीड अमाउंट। कहां से आ रहा है? जो फ्रॉम ए ने दिया है। जैसा कि आपने देखा यहां इसके टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि गारंटी सबसे लास्ट में देखनी है। अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि इसका प्रॉफिट 30 में से 10 माइनस हो गया, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया 20,000, इसका कितना हो गया 30,000। यानी इसका प्रॉफिट तो आ गया 20,000, इसने गारंटी नहीं ली थी तो इसका प्रॉफिट तो रह गया 30,000, और इसके अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट था वो 30+4 कितना हो गया, 30+10 कितना हो गया 40,000। तो जैसा कि आपने देखा इसका टोटल वापस कितना है 20, 30, 50, 40, 90। यानी जो बेसिकली यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट पे उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से। सिर्फ क्या करना है हम लोगों को, जिस पार्टनर ने गारंटी ली है उसके अकाउंट से वो माइनस हो जाएगा, और बेसिकली जिसको गारंटी दी गई है उसके अमाउंट में जा करके अमाउंट प्लस हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देख लिया, अब मैं फटाफट से इसको एक बार रब कर देता हूं और दोबारा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर गारंटी ए ने पर्सनली नहीं ली होती, किसने ली होती? ए और बी दोनों ने ली होती, तो फिर हम लोग किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते। अमाउंट हमारे पास वही 90,000 रुपीज है। 30,000 रुपीज मैंने दोबारा से तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। इसको गारंटी कितने की थी? 40,000 रुपीज की। इसको कितना अमाउंट मिल रहा है? 30,000। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि गारंटी ए ने अकेले नहीं ली थी, बी ने भी ली थी। यानी सी को जो गारंटी दी थी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 40,000 रुपीज की, वो ए और बी दोनों ने मिलकर के दी थी। अब ए और बी दोनों ने ये बोला कि अगर सी को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 40,000 रुपीज नहीं मिलेगा तो वो ए और बी के अकाउंट दोनों में से बराबर बराबर डिडक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसको गारंटी कितने की ली थी? 40 की। इसको कितना मिल गया? 30। कितना कम पड़ रहा है? 10,000। अब 10,000 रुपीज इसके अकेले के अकाउंट से नहीं काट करके मैं यहां से कितना माइनस करूंगा, क्योंकि दोनों ने गारंटी इक्वली ली थी। अगर 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं तो 5,000 रुपए इसके अकाउंट से काट दो और 5,000 रुपए इसके अकाउंट से काट लो। तो इन दोनों के अकाउंट से अगर 5 और 5 अकाउंट माइनस हो जाएगा तो वो अमाउंट आकर के इसमें एड हो जाएगा 5,000 और 5,000। इसकी गारंटी तो अपने आप फुलफिल हो गई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ध्यान रखना इस बात का। अब इसका प्रॉफिट कितना रह गया? इसका प्रॉफिट रह गया 25,000 लिख देता हूं मैं। इसका प्रॉफिट भी रह गया 25,000 और इसका प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। तो वापस देखो टोटल कितना है 25, 25, 50 और 40, 90। तो जैसा कि आपने अभी यहां देखा कि डिविजिबल प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करोगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद इस डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले डिवाइड कर दोगे, और इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करने के बाद ही गारंटी का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। तो क्या करना है, गारंटी को हमें सबसे लास्ट में देखना है जब हमारा प्रॉफिट हम तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।